नमस्कार दोस्तों, जीके गुरु जी अड्डा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। ईबीएस में आज हम परिवार टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो परिवार के दो भाग होते हैं, एक एकल परिवार और एक संयुक्त परिवार। एकल परिवार और दूसरा भाग है संयुक्त परिवार। पहले हम चर्चा करते हैं एकल परिवार पर। एकल परिवार वह परिवार होता है जिसमें माँ बाप और बच्चे, यही दो लोग साथ में रहते हैं। माँ बाप और बच्चे और तीसरा कोई नहीं रहता है, उसी को कहते हैं एकल परिवार। दूसरा भाग है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में कई सदस्यों का समूह होता है, जैसे कि माँ बाप हैं, बच्चे हैं, चाचा चाची हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, मौसा हैं, बुआ हैं, इन सभी लोगों से मिलकर संयुक्त परिवार बनता है। तो हमने जाना एकल परिवार में सिर्फ माँ बाप और बच्चे होते हैं, संयुक्त परिवार में पूरे परिवार के सदस्य, चाचा चाची, दादा दादी, माता पिता, सभी लोग होते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के, एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया गया है, 6 थीमों में विभाजित किया गया है, जिसके पहला है परिवार एवं मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा है पानी, चौथा है आवास, पांचवा है यात्रा और छठा है चीजें जो हम बनाते हैं, बनाते हैं और करते हैं। जैसे कि आप, हमने आपको बताया एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया गया है। 6 थीमों में परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, छठा है चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। परिवार एवं मित्र की उप थीम है संबंध, कार्य तथा खेल, जानवर और पौधे। आइए दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं वो चीजें जो पिछली संस्कृत से हमको रूबरू कराती हैं, उनके बारे में बताती हैं। जो चीजें हमको पिछली संस्कृत से परिचय कराती है,
जिसमें पहला है दस्तावेज, दस्तावेज लिखित होता है और उन्हें पढ़कर हम पुरानी रहन सहन या जो पुरानी लिखावट है उसके बारे में जान सकते हैं। ये लिखित होता है। इससे बीते समय के बारे में जान सकते हैं, उस समय के समाज और उसके रहन सहन के बारे में जान सकते हैं। दूसरा है चित्र। चित्र है पुराने चित्रों और मूर्तियों को देखकर हम उस समय की कला और चित्रकारी के बारे में जान सकते हैं। कला और चित्रकारी। तीसरा है इमारतें। इमारतों को देखकर उनकी बनावट, सामग्री के निर्माण तरीके और उस समय के कलाकृति को हम जान सकते हैं। और चौथा है सिक्के। सिक्के थे पुराने समय में व्यापार के लेन देन में प्रयोग किए जाते थे, तो उस समय के सिक्कों से वहां उस समय व्यापार में लेन देन के तरीकों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो अगला टॉपिक है स्तनधारी। सरीसृप। कीट एवं पक्षी। अब हम चर्चा करेंगे स्तनधारी, सरीसृप, कीट एवं पक्षी पर, जिसमें पहला टॉपिक, पहले भाग स्तनधारी, इस पर चर्चा करेंगे। स्तनधारी वो जीव होते हैं जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, जो अपने बच्चों को स्तनपान कराते हैं। इनके शरीर का ताप बाहरी वातावरण के तापमान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। इसमें मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी ये सभी जानवर आते हैं। दूसरा भाग है सरीसृप। सरीसृप वो जानवर होते हैं जो कि धरती पर सरक कर चलते हैं, उनको सरीसृप कहा जाता है, जिनमें सांप, छिपकली, कछुआ यही सब जीव होते हैं जो कि धरती पर सरक कर चलते हैं, इनको सरीसृप की श्रेणी में रखा गया है। तीसरा भाग है कीट। इसमें तमाम प्रकार के कीट आते हैं, जैसे कि मक्खी है, तितली है, मधुमक्खी है, चींटी है, ततैया है, झींगुर है, दीमक है, मकड़ी है, टिड्डा है, ये सभी कीट हैं जो कि कीट में आते हैं, जैसे मक्खी, तितली,
तमाम प्रकार के कीट आते हैं। और चौथा है पक्षी। जैसे पक्षी है तो आप नाम से ही जान रहे हैं, मोर है, उड़ने वाले जिनके पंख होता है और जो उड़ सकते हैं वो सभी पक्षी कहलाते हैं। जैसे मोर है, तोता है, और बतख है, उल्लू है, कौवा है, चमगादड़ है, गिद्ध, मैना, ये सभी, गौरैया है, ये सभी पक्षी की श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों अब हम अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं, परजीविता। और सहजीविता से इसमें पहला है परजीविता। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, पर का अर्थ होता है दूसरों पर। जो जीव जंतु दूसरों पर निर्भर रहते हैं वो जो है परजीवी कहलाते हैं। ये परजीवी जो है जिस पर निर्भर रहते हैं वो उस जानवर को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसमें जोक है, जोक भी जिसके साथ रहता है उसी को नुकसान पहुंचाता है, जू है और अमरबेल की बेल है, अमरबेल और एंट अमीबा। और दूसरा भाग है इसका सहजीवी, सहजीविता। इसमें जो जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं उनको सहजीविता कहा जाता है। इस प्रकार के संबंध को हम सहजीवी कहते हैं। जो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जिसमें मटर का पौधा और राइजोबियम सहजीवी की श्रेणी में आता है। इसमें इसी प्रकार लाइकेन में शैवाल और फफूंदी ये भी सहजीवी की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए।